गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नताशा और प्रतीक को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस लेकर चली जाती है, और वो बार बार नताशा को यही कह रहे रहते कि तुमने जो मर्डर किया है या तुमने जो कुछ भी किया है रोहन के साथ, वो प्रतीक के साथ मिलकर किया है और प्रतीक इज़ योर लवर। पर नताशा हर बार डिनाई करती है और नताशा बहुत बार बताती है कि प्रतीक उसके साथ कुछ भी नहीं है और ना उसका कुछ लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त है, नथिंग एल्स। पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। अब उसके आगे जब अमायरा ये सब देखती है तो अमायरा को बहुत सारी चीज़ें पुलिस इंस्पेक्टर्स ने बताई रहती है, जिसके क्लू की वजह से नताशा इज़ द मेन कल्प्रिट दिखाई दे रही रहती है और नताशा की ही सारी प्लानिंग रहती है। ये सारी बातें अमायरा के दिमाग में बस चुकी रहती है। अमायरा बहुत सोचती है कि नताशा क्यों करेगी, नताशा क्यों रोहन के साथ करेगी अगर वो खुश नहीं थी, या नताशा के साथ अगर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं था, रोहन के साथ अगर उसका मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, कुछ भी होता। सो द सिंपल थिंग इज डिवोर्स। अगर डिवोर्स लेकर ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी रहती है। बट यहाँ पर चीज़ें ऐसी रहती है कि अमायरा समझ नहीं पा रही रहती है कि भाई से अगर उसे प्रॉब्लम थी तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं कर सकती। कहते हैं ना, जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारे दो व्यूज़ चलते हैं, एक हमारा दिमाग बोलता है और एक हमारा दिल बोलता है। अमायरा का दिल बार बार कह रहा था कि नताशा ने कुछ नहीं किया है, पर दिमाग उसका ये कह रहा था कि नताशा ने नहीं किया है तो किसने किया है, क्योंकि सारे क्लूज़ तो नताशा के ही अगेंस्ट हो रहे हैं। फिर नताशा के साथ क्यों हो रहा है? दूसरी तरफ वो बहुत शांति से बैठती है तो वो सोचती है कि ये सारी चीज़ें एडवोकेट नहीं करी हो, क्योंकि उसे तो पापा से पैसे लेने थे और अगर पापा से पैसे लेने तो वो रोहन के साथ ये सारी चीज़ें कर सकता है। पर फिर वो सोचती है कि अगर उसे रोहन के साथ कुछ भी करना होता तो वो नताशा को क्यों फंसाएंगे, नताशा को क्यों फंसा कर किया जाएगा, नताशा क्यों एक मतलब उसको क्यों फंसाना है। एडवोकेट तो नताशा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उसकी, जो वो अपने मतलब के लिए रोहन को यूज़ कर रहा है या रोहन को हाइड कर रहा है। पर यहाँ पर थोड़ी ना कुछ हो सकता है। बहुत सोचने के बाद अमायरा ये सोचती है कि मैं अगर मुझे कुछ चीज़ जाननी है तो मुझे रोहन का ईमेल आईडी या फिर रोहन की चीज़ों को एक्सेस करना होगा। उसके दिमाग में यही बातें चल रही रहती है कि अगर किसी की भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता करना हो तो रोहन की आईडी से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो वो रोहन का जीमेल अकाउंट होता है उसे ओपन करने के लिए कोशिश करती है, बहुत सारे पासवर्ड डालती है, कोशिश करती है कि रिकवर हो जाए कुछ भी हो, और बहुत ट्राई करती है उसे रिकवर करने के लिए, लेकिन वो रिकवर हो ही नहीं रहा रहता है। तभी उसको एक पॉपअप आता है, डू यू नीड एनी हेल्प। हाँ, वो सीक्रेट गर्ल ईव का होता है, और जैसे ही सीक्रेट गर्ल ईव का मैसेज देखती है तो अमायरा के चेहरे पे इतनी प्यारी स्माइल आती है, वो स्माइल देखने लायक होती है। तो वहाँ पर सीक्रेट गर्ल ईव लिखती है, ये स्माइल मेरे लिए ही है ना, या फिर किसी और के लिए? अमायरा कुछ आंसर नहीं देती है और जो हाईलाइट करती है उस मैसेज को और लिखती है, येस आई नीड योर हेल्प। तो वो बोलती है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प बट एवरी थिंग इज़ पेड। तो फिर अमायरा बोलती है कि हाँ पूछो, अब क्या चाहिए इसके अलावा? तो कहती है, बस 3 स्पेशल वर्ड कह दो जो मुझे सुनने हैं। तो अमायरा शांत होती है, वो समझ तो सभी रही रहती है बट वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है, कौन से 3 स्पेशल वर्ड? तो वो कहती है कि जो स्पेशल वर्ड हर कोई सुनना चाहता है, और ख़ासकर वो इंसान ज़्यादा अच्छे से सुनना चाहता है जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब होता है। सीक्रेट गर्ल ईव का यही मैसेज था और अमायरा के चेहरे पर ब्लश होने लगता है। अमायरा बहुत ब्लश कर रही रहती है। जब भी अमायरा सीक्रेट गर्ल ईव के साथ बात करती थी तो ऐसा लगता था वो पूरी दुनिया से अलग है, वो एक अलग जोन में चली गई है, जैसे वो उसके साथ वक्त बिताना चाहती है, उसके साथ खुश रहना चाहती है। अमायरा कभी भी सीक्रेट गर्ल ईव को देखा तक नहीं था, ये लोग तो ऑनलाइन मिले थे, उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस गर्ल से वो बात कर रही है वो सही है कि नहीं।
तभी उसे एक चीज़ पॉपअप होती है कि किसी को भी अपना स्पेशल वर्ड कहने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो वो कहती है कि कैन वी टॉक, तो सीक्रेट गर्ल इफ बोलते वी आर टॉकिंग डार्लिंग, तो कहती है नो कैन वी टॉक ऑन फोन, तो वो बोलते ओ सो यू आर टेस्टिंग दैट कि आई एम जेन्युइन और नॉट। तो अमायरा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ऐसा तो था नहीं कि सीक्रेट गर्ल ईव को उसके फेस के एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते। वो तो इतने सारे मॉनिटर्स में बैठ के आराम से उसका फेस देख रही थी और उसे तो हर चीज़ पता आ रही थी। तो तभी वो बोलती है कि ऑफ कोर्स श्योर बेबी यू वी कैन टॉक। तो वो बोलती है अच्छा वीडियो कॉल करना है या वॉइस कॉल करना है, हो सकता है कि मैं वॉइस का फिल्टर लगा दूँ या फिर कुछ और कर लूँ कन्वर्ट वाला, तो अगर मैं लड़का हुई और वॉइस पे बात हो गई तो फिर क्या करोगी। अमायरा थोड़ी सी शॉक हो जाती है और बोलती है कि यार ये कितना डीपली सोचती है, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा। तभी वो सोचती है कि हाँ ये इतना डीपली सोचेगी बिकॉज ये तो हैकर है तो ये सारी प्रोस्पेक्टिव सोच सकती है। तभी वो कहती है एज यू विश, जैसा आपको करना है। तो सीक्रेट गर्ल ईव बहुत क्यूट रहती है और उससे ना सच बोलूँ तो अमायरा बहुत पसंद रहती है, इतनी पसंद रहती है कि वो अमायरा के ऊपर पूरी नज़र भी रखती है और उसको कभी भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम में नहीं देख सकती है। तभी वो कहती है ओके वीडियो कॉल के लिए रेडी रहो, बट एक यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है। तो वो पूछती है कि क्या उल्टा हो रहा है, तो कहती है यार डिमांड मेरी होती है, मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए हेल्प करूँगी तो एवरीथिंग इज़ पेड, बट यहाँ पर तो आप डिमांड कर रही हो और आपकी डिमांड को मैं पूरा कर रही हूँ, सीक्रेट गर्ल ईव कहती है। तभी हमारा कहती है तो कहती है पर मेरी डिमांड कहाँ है, तो कहती है अभी अभी मैंने आपसे हेल्प ही नहीं मांगी है तो डिमांड कैसी। तो कहती है ओ तो ये भी तो एक आपकी डिमांड हुई ना कि आपको मुझसे वॉइस कॉल पे बात करनी है। तो वह कहती है सीक्रेट गर्ल ईव को अमायरा कहती है कि मतलब तुम हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करोगी, तो कहती है एग्जैक्टली चलो मेरी डिमांड पूरी करो। तो वो बोलती है अब क्या डिमांड है, मतलब मुझे वीडियो कॉल पे आपसे बात करने के लिए भी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो कहेगी ऑफकोर्स यस। तो कहती है कि अच्छा बताओ क्या डिमांड पूरी करनी, तो कहती है कि उठो और एक कबर्ड में कोई भी एक अच्छी सी ड्रेस पहनना, अपने बाल को अच्छे से यू नो ओपन हेयर्स करो जो टाई करके रखें मुझे पसंद नहीं है। तो वो कहती है तुम मुझे ऑल टाइम देखती हो, हर चीज़ मेरे बारे में जानती हो, तब भी तुम्हें मुझसे ये करवाने का क्या मिलता है। अमायरा कहती है तो सीक्रेट गर्ल ईव बोलती है मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक योर ओपन हेयर, बट ये जब भी तुम टाई करती हो मुझे पसंद नहीं है। तो कहती है अरे यार बट गर्मी होती है, तो अमायरा कहती है तभी सीक्रेट गर्ल ईव कहती है इट्स डजन मैटर फॉर मी स्वीट हार्ट, अभी तुम्हें मेरे से अगर वॉइस कॉल पे बात करनी है तो तुम्हें मेरी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, आई थिंक तुम करना पसंद करोगी। तभी जो यहाँ पे अमायरा रहती है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, कहती ओके। तो वो जाती है कबर्ड से एक बहुत प्यारी सी ड्रेस निकालती है और जाती है पूरा मेकअप करके आती है। दूसरी तरफ जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो अपने चेहरे पर एक यू नो मास्क लगाती है, लेकिन उसका जो मास्क रहता है वो यू नो नीचे मास्क नहीं रहता है, वो सिर्फ आँखों पे मास्क लगाती है, आँखों से नोज तक के लिए वो पूरा मास्क से अपना कवर करती है साइड से, जो हमने देखा होगा पार्टी वेयर टाइम पे जो मास्क लगा के हम पार्टीज में जाते हैं जिसमें हम मास्क पार्टीज होती है तो डिफरेंट डिफरेंट मास्क लगाते हैं, तो वैसे ही वो एक फैंसी टाइप का मास्क लगाती है। और मास्क लगाने के बाद वीडियो कॉल करती है, जैसे वो वीडियो कॉल करती है तो उसने भी बहुत प्यारा एक टॉप पहना रहता है और वो जो टॉप रहता है वो क्लीवेज थोड़ा दिख रहा रहता है सीक्रेट गर्ल ईव का। और जो हमारी अमायरा रहती है वो बहुत ब्यूटीफुल वे में मतलब तैयार होती है, मेकअप सारा करती है, पूरी उसको जैसे वो देखना चाहती थी उस तरीके से वो मेकअप करती है, और यहाँ पर उसे पूरा मास्क लगाया रहता है, वो अच्छे से बैठी रहती है, पूरी बॉडी का फिगर दिखाती है सीक्रेट गर्ल ईव, बस फेस को डिस्क्लोज नहीं करती है, फेस पे मास्क रहता है।
पूरी होती है और उसने जीन्स और टॉप पहना रहता है, जिसमें जो टॉप रहता है वो उसकी वो बटन्स वाला टॉप रहता है, तो ऊपर के बटन्स थोड़े से ओपन रहते हैं, तो थोड़ा सा क्लीवेज हम बोल सकते हैं वो दिख रहा रहता है। जब वो देखती है और उससे वॉइस कॉल पे बात करती है और बोलती है कि हाँ मायरा अब बोलो, तो मायरा बोलती है कि मुझे तो पूरे तरीके से देख लिया, हर एक चीज़ देखती हो, हर बार मुझे देखती हो कि कब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, क्या पी रही हूँ ये सब, और आज जब मुझे आपको देखने की बारी आई तो आपने अपना फेस कवर कर लिया, अमायरा कहती है। तभी सीक्रेट गर्ल ईव कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट टू लिसन माई वॉइस ओनली स्वीट हार्ट, आपकी तो वॉइस ही सुनना था, मैंने तो बस आपकी ये अनचाही विश भी पूरी कर दी। क्या है ना, कोई भी रिलेशनशिप या वो थ्री मैजिकल वर्ड सुनने से पहले ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ट्रस्ट फैक्टर ऑनलाइन लोगों पे कर नहीं सकते हो आप, मैं समझती हूँ काफ़ी अच्छे से, इसलिए मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा आपको मेरे बारे में बता दिया जाए, इसलिए मैं आ गई हूँ वीडियो कॉल पे, सो लेट मी जस्ट स्टैंड। तो वो खड़ी होती है ऊपर से नीचे तक, मतलब खड़े होती है, टर्न होती है, उसको बोलती है लुक आई एम गर्ल सो डोंट वरी कि मैं आपके साथ कुछ गलत कर रही हूँ। तो वो जब खड़ी होती है तो वो टर्न होती है, तो उसके बाल बहुत लॉन्ग रहते हैं सीक्रेट गर्ल ईव के, मीन्स उसके हम कह सकते हैं कि कमर तक आते थे, और स्टाइलिश वे में कटिंग रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, उसका जो फिगर रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सीएस्ट होता है, वो स्लिम रहती है, टॉल रहती है, और बहुत ब्यूटीफुल उसका फिगर का शेप दिख रहा था। अमायरा जब उसके फिगर को पूरे तरीके से देखती है, क्योंकि वो टर्न होके बात करती है, हर एक एक चीज़ बताती है, तो वो देख के अमायरा बहुत शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल, सिर्फ फेस नहीं था बट बॉडी एंड सब चीज़ों से बात पता चल रही थी। उसने अपना पूरा फेस कवर किया था, उसका जो फेस कवर था वो बहुत ज़्यादा था, नोज तक कवर था, सिर्फ उसके जो पिंकिश लिप्स जो थे वो ही दिख रहे थे बोलने के बोलते टाइम। तो सीक्रेट गर्ल ईव को जब इस तरीके से अमायरा देखती है तो वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है, और वो बहुत हैप्पी फील कर रही रहती है कि शी इज़ ऑसम, मीन्स लाइक एवरीथिंग। उसके बाद जो अमायरा कहती है कि हाँ मतलब आपको उठ के बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आप गर्ल हो, तो कहती नहीं नहीं सब कुछ पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, सो आप मुझे वो थ्री मैजिकल वर्ड्स कह दो। तो मायरा कहती है, कौन से थ्री मैजिकल वर्ड्स जो आप मेरे पीछे पड़ गए हो? तो सीक्रेट गर्ल ये अपने लिप्स को थोड़ा सा बाइट करते हुए बोलती है, वही जो सुनना रहता है सबको। उसके जो लिप्स रहते हैं सीक्रेट गर्ल ईव के, वो सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ थी जो उसकी बॉडी पे डिस्क्लोज़ हो रही थी सीक्रेट गर्ल ईव की, लेकिन वो अपने लिप्स पे भी थोड़ा सा कभी अपने लिप्स को बाइट करती है, कभी लिप्स को हम जैसे टंग से करते हैं ना टेस्ट वैसे, और लिप्स को खुद बाइट करना, अंदर करना, जैसे लिप्स से शो करना कि वो डिज़ायर ऑफ द किसिंग, इस टाइप की वो दिख रही रहती है। तो जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है वो अपने लिप्स से ही कहीं ना कहीं अमायरा को सीड्यूस कर ही रही थी। जो अमायरा थी वो बहुत, उसकी ना नज़र उसके लिप्स से हट ही नहीं रही रहती है, तभी वो एकदम से कहती है कि क्या हुआ बोलोगी? तो वो बोलती है कि क्या बोलना है? तो वो बोलती है, अरे मुझे तो सुनना है। अमायरा कहती है, क्या सुनना है आपको? तो कहती है, वही थ्री मैजिकल वर्ड्स। तो कहती है, अरे बाप रे, इतनी जल्दी वो थ्री मैजिकल वर्ड्स नहीं बोले जाते हैं, किसी को जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, एंड मैं आपको उस थ्री मैजिकल वर्ड्स के अलावा कुछ और कह सकती हूँ। तो वो कहती है कि अच्छा उसके अलावा तो क्या है वो? तो कहती है, आई लाइक यू, आई अडोर यू। तो जैसे वो बोलती है आई अडोर यू, आई लाइक यू, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और एक्चुअली सीक्रेट गर्ल ईव बस उसे टीज कर रही रहती है, क्योंकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी, और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी अमायरा सारी सिचुएशन को सोच के कि नताशा वगैरह। तो सीक्रेट गर्ल ईव का सिर्फ यही मोटिव रहता है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करे अपनी मेन, मतलब उसे थोड़ा हैप्पी फील कराए। तो जो सीक्रेट गर्ल ईव होती है, सब
सब चीज़ को समझते हुए कहती है, ओके मैं वेट करूँगी जब वो स्पेशल वर्ड्स आपके मुँह से सुनने को मिलेंगे। अमायरा भी थोड़ा सा स्माइल करती है और बोलती है कि कैन यू हेल्प मी फॉर हैकिंग माई ब्रदर्स अकाउंट। अमायरा कहती है, जैसे ये बात कंप्लीट करती है अमायरा, तभी सिक्रेट गर्ल कहती है, डू आई हैव एनी अदर ऑप्शन, आपकी मदद करने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही कहाँ है। तो कहती है कि तो करो ना, प्लीज़ हैक कर दो। तो कहती है कि गिव मी 10 मिनट्स स्वीट हार्ट, हो जाएगा जल्दी से। और ऐसे करके वो बोलती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ काम करने, तो मैं वीडियो कॉल रिकॉर्ड करूँ। तो कहती है कि हाँ अच्छा। फिर वो बोलती है कि क्या अच्छा, सीक्रेट गलीफ कहती है। तो कहती कुछ नहीं, कहती यही सोच रही हो ना कि कब तुम्हारी इच्छा होगी अगर मुझसे वीडियो कॉल पे बात करने की, तो फिर मैं कैसे आऊँगी। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें मेरे थॉट फॉर्म्स पढ़ने कब से आ गए। अमायरा कहती है, तो कहती है मेबी मैं सब कुछ पढ़ सकती हूँ, यू नो आई हैव अ वेरी टैलेंटेड स्वीट हार्ट, ऐसे बोलती है वो। सीक्रेट गर्ल ईव की बात करने का तरीका थोड़ा सा फ्लर्टी रहता है, जो अमायरा को भी काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। तभी वो बोलती है कि बताओ ना। तो कहती है कि स्वीट हार्ट जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं अपने आप आ जाऊँगी, तुम मुझसे कॉल बैक नहीं कर सकती हो क्योंकि जिस लिंक से हम बात कर रहे हैं वो लिंक अभी 2 मिनट में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और आप तुम्हें बस इतना यकीन दिलाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं गर्ल हूँ, बाकी मेरी प्राइवेसी, मेरे तक पहुँचना किसी के आसान नहीं है, चलो बाय। और ऐसे करके वो कट कर देती है। थोड़ी देर बाद हमारा एकदम होती है, सिर्फ या 2 मिनट के बाद वो उसी लिंक पे दोबारा कॉल करती है कि शायद वो ऐसी बोलकर चली गई हो, तो वहाँ पर आता है कि इनवैलिड लिंक। तो सीक्रेट गर्ल ईव का ऐसा ही था कि वो अपनी मर्ज़ी से आती थी, अपनी मर्ज़ी से जाती है। हाँ लेकिन अमायरा को जब भी ज़रूरत होगी वो अपने आप आ जाएगी, ऐसा था। लेकिन वो चाहकर भी कोई उसे बुला नहीं सकता था। अमायरा को जब ज़रूरत होगी वो मिल तो जाएगी उसे, लेकिन वो उसे अपनी मर्ज़ी से कॉल वगैरह नहीं कर सकती है। थोड़ी देर तक ऐसी बात इनकी चलती है, तभी एक लिंक आता है, एक मैसेज आता है और उसमें एक पासवर्ड लिखा रहता है और उस पर सीक्रेट गरीब का रहता है कि ये जो मैसेज है ये पासवर्ड डालो, तुम्हारे भाई का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और वैसा ही होता है, वो जैसी वो पासवर्ड डालती है हो जाता है। अमायरा बहुत फोकसली हर एक एक मेल और मैसेजेस पढ़ रही रहती है, जहाँ पर मेल में उसको दिखा रहता है कि दुबई, दुबई में जाकर बहुत सारी शॉपिंग्स की गई है और कार्ड रहता दूसरे कार्ड से की गई है। तो वो कार्ड देखती है तो कार्ड रहता है रवि बी करके, रवि बी करके कार्ड रहता है। और वो शॉक हो जाती है कि ये कार्ड से इतनी सारी शॉपिंग भाई ने की है और ये कार्ड किसका है। तो वो कार्ड को पहले देखती है तो रवि बी, अब ये रवि बी किसका कार्ड है, क्या है, चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग तरीके से चलने लगती है। और दुबई कौन गया था, भाई ने तो ये कहा था कि वो दुबई के तो गया नहीं है, उसने तो ये कहा था कि वो एक्चुअल में गया है बैंगलोर। तो फिर ये सारे कार्ड्स का स्वैपिंग वगैरह ये सब किसने करी है, बहुत सारी चीज़ें की मिस्ट्री यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है कि अब ये रवि बी कौन है जो आ गया है और उसके कार्ड से शॉपिंग हो रही है। चलो कार्ड से शॉपिंग हुई है, दुबई में हुई है, पर भाई का अकाउंट क्यों लिंक है इसमें। दूसरी तरफ क्वेश्चन ये आ जाता है कि चलो ये ठीक है, पर भाई का क्या लेना देना है रवि बी से, कोई दोस्त है या क्या है। और भाई पहली बात तो बैंगलोर क्यों नहीं गए, क्योंकि उनकी मीटिंग बैंगलोर में थी, तो वो दुबई क्यों चले गए, मतलब बात तो बैंगलोर जाने की हुई थी। तो वो एक स्टोर का रहता है, वहाँ स्टोर पे बहुत सारी शॉपिंग हुई रहती है, उस स्टोर का मैसेज आता है। यूजुअली जब हम किसी स्टोर से मैसेजेस करते हैं तो वो या तो हमें ईमेल में मैसेज भेजते हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग, और या तो फिर वो हमारे व्हाट्सएप पे या नॉर्मल मैसेज करते हैं। तो
तो सेम वैसे ही हुआ रहता है जब आप शॉपिंग करते हो किसी भी शॉप पे, तो वो आपको एक फीडबैक फॉर्म या कुछ भी चीज़ भेजते हैं। तो उसी तरीके से अमायरा को दुबई का बहुत सारी होटल्स वगैरह इन सब का चीज़ें आई रहती है। अब उसके दिमाग में ये हो जाता है कि रिसेंटली भाभी ने तो मुझे बताया था कि भाई अभी बैंगलोर से आया है, जब वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आने वाली रहती है तब तो भाभी ने मुझे यही बोला था कि वो तो बैंगलोर गए थे और अभी बैंगलोर से वापस आए हैं। पर अगर नताशा मुझे ये बता रही है कि मैं बैंगलोर भाई बैंगलोर से वापस आया है, तो फिर ये क्रेडिट कार्ड, ये सब चीज़ें और ये रवि भी, ये सब दुबई का क्यों दिख रहा है यहाँ पर? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मायरा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, उसका सर फटने वाला रहता है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है। उतनी देर में जो मिस्टर खन्ना रहते हैं उनका फ़ोन आता है मायरा को, तो मायरा फ़ोन पिकअप करती है और बोलती है हाय डैड। तो वो बोलते हैं कि हाँ बेटा बेटा, वो तुम्हारी बात हुई है क्या पुलिस इंस्पेक्टर से कि इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है क्या? तो कहती है कि हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने भाभी को रखा तो है, पर अभी तक भाभी कोई चीज़ कन्फेस नहीं कर रही है और किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो रही है। तो वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूरे तरीके से पता करो कि क्या चल रहा है, कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है और क्या हुआ है। इस बात पे अमायरा बोलती है ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो अमायरा होती है वो पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल करती है और बोलती है कि आपने बात करी कि नहीं, मतलब क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आपकी जो भाभी है वो पूरे तरीके से वो डिनाई कर रही है कि उसका लवर नहीं है प्रतीक। तो वो बोलती है आपको लवर के बारे में पूछने के लिए नहीं कहा था, आप डायरेक्ट पूछो, जो एविडेंस आपने हमें दिखाया है वो उनको दिखाकर पूछो। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है ठीक है मैडम, मैं इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करता हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से स्टार्ट हो जाती है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर नताशा के पास जाता है और उसे बोलता है कि बताइए आप कि आपका किसके साथ क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि किसके साथ क्या चल रहा है, मैं बता चुकी हूँ कि प्रतीक और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता है कि फ़ोन मेरी कार में कैसे आया है, और अगर आया भी है तो उसका हर चीज़ का मुझसे लिंक क्यों है? तभी वो कहता है मैडम, वो क्रिमिनेशन की जो फोटोज़ आपने आपके लैपटॉप से भेजी गई है। तो वो कहती है व्हाट, मेरे लैपटॉप से क्रिमिनेशन की फ़ोटोज़ भेजी गई? अरे मुझे तो खुद रिसीव हुआ था किसी और से। तो कहते हैं आपको अगर यकीन नहीं होता है तो आपको रुकिए। फिर वहाँ पे साइबर सेल के जो लोग होते हैं, हाईली एक्सपर्ट होते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो आते हैं और उन्हें लैपटॉप दिखाते हैं और बताते हैं कि यह आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस है और ये सारी चीज़ें, और जो क्रिमिनेशन की फ़ोटोज़ जो प्रतीक को भेजी गई थी वो आपके लैपटॉप से ये सारी भेजी गई थी, और फिर ये लैपटॉप, ये फ़ोटोज़ प्रतीक ने आपके घर वालों को और आपको रीसेंड करी गई है। तो इट्स मीन्स दैट यू आर द पार्ट ऑफ दिस शिट। नताशा को समझ में नहीं आ रहा रहता है। नताशा थोड़ी देर तक चुप हो जाती है और वो कहती है कि मेरे लैपटॉप से ये भेजी गई है। तो वो थोड़ा सा फ्लैशबैक पे याद करती है, तब उसे याद आता है कि जब क्वारंटाइन हुए थे तो जो रोहन था उसने बोला गया कि यार मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है नताशा, कैन यू जस्ट गिव मी योर लैपटॉप? तो नताशा ने अपना लैपटॉप उसको दे दिया था, लेकिन उस समय जो रोहन रहता है उसने गेट ओपन नहीं किया रहता है, उसने कह देता है कि बाहर रख दो, मैं वहाँ से पिकअप कर लूँगा, और प्लीज़ मुझसे दूर रह कि अगर मुझे कोविड हुआ तो तुम्हें भी हो सकता है। ये देखकर नताशा को याद आता है कि चीज़ें कुछ सही नहीं हैं, और वो बोलती है कि मतलब लैपटॉप लेके मेरे ही पति मतलब रोहन ने वो फ़ोटोज़ को भेज दिया, और उसने किया तो किया ऐसा क्यों? जो नताशा रहती है उसे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही रहती है, पर अब वो कितनी बार भी चिल्ला चिल्ला कर बोले कि उसने नहीं किया है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है, इसलिए नताशा वहाँ चुपचाप रहती है। दूसरी तरफ प्रतीक को लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जब प्रतीक से पुलिस कहती है कि ये बताओ तुम कब से जानते हो नताशा को, तो प्रतीक कहता है देखो डॉक्टर, वो इंस्पेक्टर,
हाँ, मैं जानता हूँ नताशा को। बहुत टाइम से हम कॉलेज फ्रेंड्स थे, हमारे बीच में बहुत अच्छी बाउंडिंग है और हम काफ़ी ईयर्स से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो पूछता है कौन से कॉलेज में थे, तो कहते हमने जब जब हम लोग जूनियर कॉलेज में थे तब से हम जानते हैं एक दूसरे को, मतलब फर्स्ट और 11th और 12th से हम एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहते दोस्ती प्यार में बदल गई। तभी वो बोलता है प्रति कि क्या बकवास करे जा रहे हो आप, मैंने कब बोला कि भाई मैं प्यार करता हूँ नताशा से। तो कहते अच्छा, प्यार नहीं करते हो तुम उससे। तो कहते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप की किस वे में बोल सकते हो। तभी वो बोलते हैं कि ये फिर ये तुम्हारे फ़ोन से इतने सारे मैसेजेस कैसे गए हैं। वो फ़ोन के मैसेजेस बताते हैं नताशा को, नताशा का भी रिप्लाई बैक करता है जैसे कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई एम देयर। तो नताशा लिखती है थैंक यू, कैन आई हग यू, तो नताशा लिखती है ओके, डू यू नीड एनी हेल्प, डू यू नीड माई शोल्डर फॉर अ क्राई, सब कुछ इस तरीके से जो कंसोल मैसेजेस और थोड़े रोमांटिक टाइप की कन्वर्सेशन होती है, जिससे ये इंडिकेट कर रहा जाता है कि जो प्रतीक है वो नताशा को लाइक करता है और नताशा भी लाइक बैक करती है और दोनों के बीच में बाउंडिंग है। और फिर वो उसको कहता है कि तो कहता है कि मेरे सेलफोन से ये सारे मैसेजेस नहीं गए हैं। तो कहता है कि अपने खुद की हिस्ट्री डिलीट करने से ऐसा नहीं होता कि सामने वाले के मोबाइल से भी हिस्ट्री डिलीट हो जाए, ये मैसेजेस गए हैं और मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। फिर साइबर सेल से इंस्पेक्टर आता है, पूरे रिकॉर्ड्स दिखाता है। ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आती है। थोड़ी देर तक जो हमारा प्रतीक रहता है वो फ्लैशबैक पे जाता है, उसका फ्लैशबैक भी होता है, और जिस फ्लैशबैक पे उसे याद आता है कि जो रो ने उसे ये ऑफर किया था, नहीं उसे ये चीज़ याद आती है कि रो ने उसे बोला था कि मेरा मोबाइल प्लीज़ मुझे वो रो ने बोला था यार मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है तो प्लीज़ तेरा मोबाइल दे दो, जिसकी वजह से ये मैसेजेस करता है। तो तभी उसको एकदम से याद आता है कि रो ने ये सारे मैसेजेस करे, मतलब रोहन ने सारे मैसेजेस करे हैं और नताशा ने तो ऐसे ही रिप्लाई कर दिया और रोहन ने कर दिया। तभी वो इतने गुस्से में आकर चिल्ला के बोलता है ही इज़ अ ब्लडी बास्टर्ड। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं ओ किसको गाली दी जा रही है, क्या बोला जा रहा है। तो वो कहता है देखो इंस्पेक्टर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा कुछ भी लेना देना इसमें है नहीं है, मैं इसमें नहीं हूँ। तो कहते हैं ओ क्या लेना देना नहीं है, तुमने अपनी लवर के साथ मिलकर रोहन को मारा है, इंस्पेक्टर कहता है। तभी वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं मारा है। तो कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्या नहीं मारा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने मारा है मीन्स तुमने मारा है। तो वो कहता है नहीं 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 इंस्पेक्टर आप नहीं समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह। तो कहता है अगर ऐसा नहीं है तो झूठी क्रिमिनेशन की फोटोज़ तूने क्यों भेजी। तो कहता है अरे मुझे रोहन ने कहा था यार ये सब भेजने के लिए। तो वो एकदम से कहता है, तो कहता है रोहन ने, रोहन तो मर चुका है। तो अभी वो प्रतीक चिल्ला के बोलता है अरे रोहन मरा नहीं है, वो जिंदा है और ये सब उसी का प्लान था, उसे तो मुझे लालच दिया था कि यार कि अगर 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता है तो ये सब कर ले, पर ब्लडी बास्टर्ड 100 करोड़ के नाम पर मुझे ही फंसा कर चला गया है, ही इज़ अ ब्लडी रास्कल। जो प्रतीक होता है वो गुस्से में बोले जा रहा रहता है। तभी वो बोलता है अबे तू क्या पीकर आया है, डॉक्टर होके क्या नशा कर रहा है, जब रोहन मर चुका है जिसको मारा तुम दोनों ने है और तुम उसी पे नाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। तभी वो कहता है कि नहीं रोहन जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो वो कहते हैं कि रोहन जिंदा नहीं है और जिंदा है तो वो कहाँ है और क्या सबूत है कि वो जिंदा है, तुमने तो क्रिमिनेशन की फोटोज़ वगैरह दिखाकर ये साबित किया है ना कि वो मर चुका है, उसका डेथ सर्टिफिकेट लाकर हमें दे रहे हो और बोल रहे हो कि वो जिंदा है। तो वो कहती है कि अरे सर वो सब मैंने ही किया है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहता है वही तो कह रहा हूँ कि तूने किया है, अब ये बता कि किसके कहने पर किया और तेरी कितनी बड़ी गैंग है। इंस्पेक्टर कहते हैं, तभी वो कहता है अरे मेरी कोई गैंग नहीं है, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में आकर किया था, मैं हॉस्पिटल में अपनी मेहनत से कमा रहा था लेकिन इतना पैसा नहीं मिल सकता था। तभी रो ने मुझे बोला कि अगर तू पैसा कमाना चाहता है तो मैं तेरे को जैसा जैसा बोलूँगा तू वैसा वैसा करेगा तो जल्दी से हो जाएगा। तभी वो बोलता है कि अच्छा
तो अब तुम रो के बोल रहे हो। तो वो बहुत बार चिल्लाकर बोलता है कि रो जिंदा है जिंदा है, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि रोहन जिंदा है कि नहीं, और अगर वो जिंदा है तो उसने ये सारी प्लानिंग करी तो क्यों करी। दूसरी चीज़, वो कहाँ गया है और रोहन जिंदा है भी कि नहीं, इस बारे में कोई सबूत नहीं है, या प्रतीक अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। ये सारे कुछ चीज़ें आपको अगले कुछ एपिसोड्स में सब क्लियर होगी। तब तक के लिए बने रहिए। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।